राम राम सा, स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल में थारो स्वागत है। और आज आपां ई वीडियो में दो अइयां की फॉर्मेशन के बारे में जानेंगा। अगर हथेली में बन रही हैं तो माता या पिता द्वारा विवाह को विरोध जरूर करो जाओगो। विवाह में विघ्न की ये रेखा माता पिता द्वारा जरूर आवेंगी। सुनने में थोड़ी अजीब ये बात लगे आपां ने, लेकिन यह सत्य है। तो देखो, पहली फॉर्मेशन के बारे में जाना तो यू आपनों बुध को पर्वत रहवे है, और ई बुध पर्वत पर ये जो रेखा थाने चालती दिखे है ये विवाह ने की रेखा कहलावे है, अपने विवाह ने रिप्रेजेंट करे। तो देखो, बुध से एक रेखा नीचे ई प्रकार से थाने उतरती दिखे है, और यह विवाह रेखा इससे संबंध बनाती दिखे। काटनो उरा जरूरी कुनी, सिर्फ इसे संबंध बना रहा को है। तो उरे माता द्वारा विवाह में दिक्कता प्रॉब्लम्स क्रिएट करे जाएंगी। कोई भी लड़का या लड़की का हाथ में अगर यह रेखा बन रही है तो उ की माता विवाह को विरोध करती थाना जरूर मिलेगी। दूसरी फॉर्मेशन आकर आप हाँ समझा तो देखो, यह अपनी जीवन रेखा हुआ है जो था नई प्रकार से चलती दिख रही है। ये जीवन रेखा पर जी टाइम पीरियड विवाह की रेखा चल रही है या था ना ओवरलैपिंग होती दिख है। अब विवाह की रेखा कट्ठे भी आ चाल सका है, लेकिन जठे था न चालती दिखेगी बठे जीवन रेखा की ओवरलैपिंग होती दिखे, यानी जीवन रेखा में ब्रेक आतो दिखे और कुछ रेखा इस प्रकार से अन्य इंटरसेक्ट करती दिखे। एक रेखा हुआ गेण में से विवाह की जो इस प्रकार से सूर्य पर्वत की तरफ थाना जाती दिखेगी। उस समय भी आपा ने समझ लेनो है कि चाहे तो बच्चा लव मैरिज करें, चाहे अपने खिलाफ जाकर विवाह करें, लेकिन यह फॉर्मेशन भी अगर बन रही है थेड़ी में तो उरे भी माता पिता द्वारा नाराजगी विवाह न लेकर उस संतान ने फेस करनी पड़े। तो ये दो फॉर्मेशन थेड़ी में या की माननी जाए ही, अगर दुनिया में एक भी बन रही है तो संतान विवाह जब करेगी तो माता या पिता या दोनों भी को विरोध करता भी शादी को थाना जरूर मिलेगा। अगर उरे डिस्टर्बेंस ज़्यादा को नहीं आ रहे हो, मान लो या ओवरलैपिंग हो रही है और एक रेखा विवाह की चल रही है और उका आगे जीवन रेखा अच्छी चल रही है और कोई ज़्यादा ई पर डार्कपन अगर नहीं आ रही है या काली नहीं पड़ रही है, और विवाह की जो रेखा है जिस पर अपन विशेष ध्यान रखना है, या जो विवाह की रेखा चल रही है या बिल्कुल थाना सीधी चालती दिख रही हो और इस पर कोई भी डिस्टर्बेंस अगर को नहीं आ रही हो, डिस्टर्बेंस को मतलब या घूम रही नहीं है या फैल रही नहीं है, इस पर कोई कट डोट वगैरह नहीं आ रही, और विवाह की या जो फॉर्मेशन हुआ है इन सुंदर विवाह योग बोलना है या सुंदर विवाह की रेखा माननी जा है, फॉर्मेशन माननी जा है, और यह भी काफ़ी चौखी बनेड़ी है। तो एक बार माता पिता इस शादी को विरोध करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ टाइम आगे बढ़ेगो वे इस शादी ने एक्सेप्ट भी करेंगे, और जो मेल या फीमेल पुत्र वधु आवे है या बेटी की ये शादी करें तो जवाई पक्ष की तरफ से पॉजिटिविटी फिर ये रेखा जीवन में लियाँ। तो यह थी इन्फॉर्मेशन विवाह के दौरान माता पिता द्वारा विरोध रेखा से संबंधित। राम राम सा।